अस्सलाम वालेकुम। अभी टॉपिक 13 मेरी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी क्लास है। साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में बच्चों का वेट कर रही हूँ। Thank you.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बच्चे, कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जस्ट 2-3 मिनट्स और वेट करते हैं, 8-8 हो गए हैं। अगर किसी ने ज्वाइन करना हुआ तो ओके सर, आपने जो असाइनमेंट तो सही कर दी थी, असाइनमेंट तो कंप्लीट हो गई इंशाल्लाह, आज शाम तक सबमिट भी कर दूंगा। लेकिन मैम वो क्विज मैम रमेश को आपने अप्रूव नहीं किया। क्विज नेक्स्ट वीक आपका होगा, तो एलएमएस में होगा सर, हाँ बिल्कुल LMS पे ही होगा, क्योंकि और कोई और तो कोई मीडियम नहीं है ना। और वो आपको नेक्स्ट सही है मैम। वीक, लाइक अगर मैं अभी भी अपलोड कर दूँ तो आपको शो तो नेक्स्ट वीक ही होगा, ओपन ही नहीं होगा। तो इंशाल्लाह क्विज आप सबका, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं सबका जो है नेक्स्ट वीक में होगा। इस वीक आपकी ये असाइनमेंट है। बस सही है मैम, असाइनमेंट तो वो भी है और इंशाल्लाह आज शाम तक अपलोड भी कर दूंगा गुड, इंशाल्लाह। वेरी गुड। शमीला और अनस का क्या सीन है? उन्होंने पढ़ना नहीं है, कोई कोई कुछ डिस्कस नहीं करते? मैम शर्मिला तो मैम तकरीबन कल साथ में उसमें पढ़ी थी, अभी आज का पता नहीं, हम मैसेज कर रहे तो सबको ग्रुप में ये किधर है सारे के सारे। शमीला की तो शॉर्टेज आएगी, क्योंकि हार्डली मैंने इसको क्लास में देखा है, हार्डली ही मैंने इसको ऑनलाइन क्लासेस में देखा है। सेम लाइक द सिचुएशन ऑफ अनस। मैम ने मैसेज कर पाई थी मैम, मैंने कर दिया, जरा मेरी मैम नहीं, से जारा बात हो की गई है। जो बात हो गई है, नहीं, जारा को छोड़ दे, उनका तो जेन्युइन है। बाकी सबको मैंने मैसेज किया, मैं देखता हूँ इंशाल्लाह अपना तो स्टार्ट कर लेते हैं। अरे हम अपना स्टार्ट कर लेते हैं, 10 मिनट से 12 हो गए हैं, 12 मिनट से ज्यादा तो वेट नहीं कर सकते ना। यस मैम, ओके हमारे बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक है, दिस इज अबाउट थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। थिंकिंग नॉर्मली जब हम किसी फ्रेंड्स के साथ बैठे हों, कोई खामोश बैठा है, तो हम कहते हैं क्या सोच रहे हो, कोई परेशानी है? ये वो थिंकिंग हमारा है, ये वो रीजनिंग हमारी है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसीजन मेकिंग हमारा है, जो कि हमारी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज या कॉग्निटिव एबिलिटीज जिसको हम कहते हैं। बार बार हमारी जो साइकोलॉजी है, हम बार बार इसमें रिपीट कर रहे होते हैं कि देर आर डिफरेंसेस बिटवीन माइंड एंड ब्रेन, ऑल्दो चीज़ें दोनों एक ही हैं, चीज़ एक ही है, लेकिन करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे डिफरेंसेस आ जाते हैं। अब माइंड कौन पजेस करता है और ब्रेन कौन पजेस करता है? हमारे बच्चे, माइंड किन किन के पास होता है और ब्रेन किन के पास होता है? जी हमारे म्यूटेर,
माइंड हमारा ओके माइंड आ गए हैं तो द टर्म माइंड इज यूज फॉर ह्यूमन बीइंग एंड द टर्म ब्रेन इज यूज फॉर एनिमल्स द डिफरेंसेस बिटवीन माइंड एंड ब्रेन इज कॉग्निटिव एबिलिटीज लाइक इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज रीजनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसीजन मेकिंग दीज आर द मेजर इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज और एबिलिटीज दैट मेक्स ह्यूमन सुपीरियर दैन एनिमल्स तो जानवर है जानवर के भी फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्सेज होते हैं ये नहीं है कि सिर्फ फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्सेज जो होते हैं वो ह्यूमन के होते हैं जानवर भी डेंजरस सिचुएशन को उसके जो सिक्स सेंस है वो उसके लिए एक्टिव हो जाती है जैसे आप अगर डिस्कवरी के प्रोग्राम्स देखें ना वाइल्ड प्लैनेट है हाँ वाइल्ड प्लैनेट के डिस्कवरी के प्रोग्राम है वाइल्ड प्लैनेट में तो जैसे वो प्रीडेटर जो होता है जो अपने शिकार को पकड़ता है जैसे शेर हो गया लायन टाइगर या वट एवर जो भी है वो हिरन को या किसी और छोटे जानवर को तो ऑल ऑफ सडन जो जानवर है वो भागना शुरू कर देता है तो ब्रेन में भी क्वालिटीज हैं ये नहीं कि वो लिविंग बीइंग है लेकिन ब्रेन की कोई क्वालिटीज नहीं है ब्रेन की क्वालिटीज है लेकिन इन कंपैरिजन अगर हम देखें तो ह्यूमन की जो क्वालिटीज हैं वो ज़्यादा हैं इंसान है ना किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में पहले तो कोशिश करेगा कि वो फंसे ना अगर वो उसमें स्टक हो गया वो उसमें आ गया वो उसमें इन्वॉल्व हो गया तो वो अपने लिए प्लान ए बी सी डी बिलियन एंड मिलियंस उसके पास जो है जस्टिफिकेशन होगी उसके पास वेज होंगे उसके पास अल्टरनेटिव्स होंगे सो ये जो हमारे अल्टरनेटिव्स होते हैं ये जो हम अपने लिए वेज निकालते हैं ये जो हम अपने लिए जस्टिफाइबल आर्ग्यूमेंट्स या जस्टिफाइबल हमारी पोजीशन होती है ये हमारी थिंकिंग के बेसिस पे होती है जैसे हम कहते हैं ना जैसे हदीस में है जैसा आप सोचोगे आपको अपनी सोचने के अकॉर्डिंग ही मिलेगा सो इन साइकोलॉजिकल टर्म जिस तरह हम सोचेंगे उसी तरह के हमारा बिहेवियर होगा बिहेवियर हमारा क्या है रिएक्शन टूवर्ड्स अदर जिस तरह का हमारा बिहेवियर होगा उसी तरह की हमारी पर्सनैलिटी होगी और जिस तरह की हमारी पर्सनैलिटी होगी उसी के अकॉर्डिंग ही हमारा जो सर्कल या हमारी जो सोसाइटी होगी या हमारा जो जो जिन लोगों के साथ इंटरेक्शन है उन लोगों में हमारी प्रेस्टीज या पोजीशन होगी तो हमारा सारा क्राइटेरिया हमारी सोच से शुरू होता है सोच इज थिंकिंग क्या है दिस इज इनविजिबल इनिशियली जो था बच्चे साइकोलॉजी में या जो हमारी जो इमोशंस हैं या हमारी फीलिंग्स हैं या हमारी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज हैं तो ये लोगों का ऑब्जेक्शन था कि ये तो अन ऑब्जर्वेबल है अनमेयरेबल है तो इसको कैसे हम मेयर करेंगे देन विलियम वॉर्डेंट ने लिप्ज़िग यूनिवर्सिटी जर्मनी में एक्सपेरिमेंटल लैब ओपन की और उसके बेसिस पे साइकोलॉजी को एक सेपरेट एंटिटी मिली और साथ में विलियम वॉर्डेंट को टाइटल मिला एज अ फाउंडर ऑफ अ साइकोलॉजी फादर ऑफ साइकोलॉजी जी और सिगमंड फ्रॉयड का टाइटल है फादर ऑफ साइको एनालिसिस हमेशा बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं विलियम वॉर्डेंट जो बेसिक है उनको भूल जाते हैं और सिगमंड फ्रॉयड के साथ ही साइकोलॉजी को लेबल करते हैं नो डाउट कि दोनों की कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है सो बात हमारी थिंकिंग की है सो थिंकिंग जो है अब देखिए ना अब डिफरेंट नाम रखे हैं अभी हम पढ़ेंगे ना डिफरेंट थिंकिंग के क्राइटेरियाज को डिफरेंट स्टेप्स को जिस तरह हम हर एक चीज़ के लिए जैसे डिफरेंट ड्रेसेज है ना एक ही कपड़ा है एक ही धागा है उसे मुख्तलिफ किस्म के कपड़े बनते हैं और उस कपड़ों से मुख्तलिफ किस्म के वैरायटीज़ के जो हैं वो ड्रेसेस बनते हैं जैसे अभी आप मे बी शलवार कमीज आपने पहनी हो फिर उसी कपड़े उसी धागे से पैंट शर्ट भी बनता है वेस्ट कोट भी बनता है टक्सीडोज भी बनते हैं औरतों के ड्रेसेस भी बनते हैं चादरें भी बनती हैं अब हर एक के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया है ना अब ये तो नहीं है
कि मैं जी मर्दाना लिबास पहन के, शलवार कमीज पहन के और मर्दाना वो जो चादर होती है और पकोल पहन के जी खड़ी हो जाऊं या आ जाऊं, वो मेरा क्राइटेरिया नहीं है। मेरा अकल मुझे ये कहता है, मेरा शऊर मुझे ये कहता है कि ये जो चीजें हैं ये मेरे लिए नहीं है। अब जैसे एक हमारा फिनोमिना आ जाता है ना सोसाइटी का, सोसाइटी ने जो बनाया है, तो ये ड्रेसिंग जो कोड्स हैं, ड्रेसिंग कोड्स हैं अगर हम देखते हैं तो ये भी जो है सोशल कंस्ट्रक्ट है। ऐसे जिसके लिए कोई वो नहीं है क्या औरत ने इस तरह लिबास पहना है और मर्द ने इस तरह लिबास पहना है, लेकिन ये सोशल कंस्ट्रक्ट है, हर एक सोसाइटी ने अपना अपना बनाया है। अब ये शलवार कमीज पकोल पहन के मैं यूरोपियन कंट्री में जाऊं, उनको क्या पता, ओके होगा, सब कुछ सेट होगा, लेकिन तो मैं हम जो होते हैं हम अपने हर एक चीज को, हमारी हमारा सोचना, हमारा परसीव करना, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमारा किसी चीज को एडमायर करना, एप्रिसिएशन करना, दिस इज इन क्राइटेरिया ऑफ एथनोसेंट्रिसिज्म। अपने कल्चर के पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं। लेट सपोज एक बंदा है जो कि एक एनजीओ रन करते हैं या एक कम्युनिटी रन कर रहा है जो कि LGBTQ की फेवर में है, या वो जस्ट सॉरी हरमन फ्रोडाइट जो बाय बर्थ अल्लाह की तरफ से जो शीमेल होते हैं उनके लिए इसमें रिफॉर्मेटिव वर्क करता है, तो वो अपनी तरफ से अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम अपने कल्चर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं ना, तो हम उसको नेगेटिवली क्रिटिसाइज करेंगे, नॉट इन पॉजिटिव। हमारी थिंकिंग हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग हो गई ना, ये ही वो थिंकिंग है जिसके लिए कहते हैं कि अगर आप अच्छी कम्युनिटी में, अच्छी कंपनी में बैठेंगे तो आपका आप पे अच्छा इन्फ्लुएंस होगा। इन्फ्लुएंस इसलिए अच्छा होगा कि आपकी जो थिंकिंग होगी वो उसी के अकॉर्डिंग होगी। अगर आप आपके फ्रेंड्स गॉड फॉरबिड ड्रग एडिक्ट हैं, स्नेचर्स हैं, एंटी सोशल बिहेवियर उनका है, क्रिमिनल्स हैं, तो आप में वो करेक्टरिस्टिक्स खुद ही आ जाएंगे। लेकिन अगर आपके दोस्त अच्छे हैं, पढ़ने वाले हैं, कुछ बनने वाले हैं, मोटिवेटेड हैं, स्ट्रगल पे, हार्ड वर्क पे बिलीव रखते हैं रादर देन के इन शॉर्टकट, तो आप भी बिल्कुल उन्हीं की तरह होंगे। जिस तरह इसमें हमारी हमारी कम्युनिटी होगी, हमारी कंपनी होगी, वही हमारी कम्युनिटी, हमारी कंपनी, हमारी थिंकिंग को जो है इम्पैक्ट करती है, इसको पॉजिटिव की तरफ भी लेके जाती है और नेगेटिव की तरफ भी लेके जाती है। फिर हमारी सोच जो है हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग होती है, तो सोच कल्चर के बगैर कंप्लीट ही नहीं है। अब वेस्ट में क्या है, लेडीज हैं बिकनी पहने टू पीस, बाकी सारा जो जिस्म है वो नेकेड है, एंड दे आर ओके विद दैट। वहाँ पे ये चीज़ इट्स ओके कॉमन, नथिंग टू वरी अबाउट। यहाँ पे अगर वो चीज़ होगी तो हम अपने अपने कल्चर के अकॉर्डिंग क्या हम डायरेक्ट वो कहेंगे कि नहीं ये तो काबिल कत्ल है, इस्लाम में ये नहीं है। तो सोच हमारी यहाँ होगी ना। अब अगर हम इस्लाम को इसके साथ कनेक्ट करते हैं तो इस्लाम में हमारे लिए स्पेसिफिक बाउंड्रीज हैं, हमारे लिए स्पेसिफिक क्राइटेरिया है। लेकिन अगर हम साउथ एशियन कंट्रीज को देखें, साउथ एशियन कंट्रीज को अगर हम देखते हैं तो साउथ एशियन कंट्रीज का भी आजकल का जो है वो थिंकिंग पर्सपेक्टिव जो है वो चेंज हो गया है। पहले वो चीज़ें जिनको हम कल्चर के पर्सपेक्टिव से देख के डिनाई करते थे, इसको क्रिटिसाइज करते थे, अब वही चीज़ें जो है हम वेस्टर्न के पर्सपेक्टिव से देख के उसको एडमायर कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, उसको कॉपी कर रहे हैं। तो थिंकिंग का आपकी थिंकिंग इन्फ्लुएंस होगी, समझ लें कि आपकी फुल पर्सनैलिटी चेंज होगी, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो गया, साथ साथ आपकी जितना भी सराउंडिंग है उस पे भी आपका अगर 100/100% इन्फ्लुएंस नहीं होता तो एटलीस्ट 10-15% तो आपके जो है वो इन्फ्लुएंस आएगा। अगला आपको क्रिटिसाइज भी करेगा लेकिन दिल ही दिल में वो आपकी तरह बनना भी चाहेगा। कुछ लोग होते हैं ना वो वर्बली आप एडमायर नहीं करते, वो क्रिटिसाइज ही कर रहे होते,
लेकिन वो दिल ही दिल में चाह रहे होते कि मैंने हमायन की तरह बनना है, मैंने फलाने की तरह बनना है, लेकिन आपको फेस टू फेस मैम नहीं। सात जी सात इंच हमारे मतलब छोटे में होती है कि मतलब उस बड़े को देखते हैं पहले कहते हैं यार देखो गलत कर रहा है ये वो है, लेकिन दिल दिल में कहते हैं यार मैं भी काश के साथ कर रहा होता या मैं भी इसके साथ जाता या हम कहीं पे जाते हैं बिल्कुल ऐसा ही है बच्चे। सो अब हम यार ये जो दिल में। हमारी सोच है ना, अब ये काश जो है, काश ये काश भी तो हमारी सोच है ना। तो जिस तरह मैम सोच आपके जिस तरह आपकी सोच होगी उसी तरह का आपका बिहेवियर होगा, उसी तरह की आपकी पर्सनैलिटी होगी, उसी तरह की आपकी ग्रूमिंग होगी, उसी तरह की आपका लाइफ स्टाइल होगा। ओके जी, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू थिंकिंग। कॉग्निटिव एबिलिटी लाइक थिंकिंग, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मे बी कंसिडर्ड टू बी द सम ऑफ चीफ करेक्टरिस्टिक्स विच डिस्टिंग्विश्ड ह्यूमन बीइंग फ्रॉम अदर स्पीशीज इंक्लूडिंग द हाइयर एनिमल। अब हाइयर एनिमल्स कौन है? मैम जैसे कि वाइल्ड एनिमल्स में नहीं मैम हम नहीं, हम तो सोशल एनिमल हैं, हम तो हायर एनिमल नहीं है, ना ही हम वाइल्ड एनिमल्स हैं। मैम ओके, साइकोलॉजी में एग्जांपल्स सॉरी एक्सपेरिमेंट्स मोस्टली जो कंडक्ट हुए हैं, जब एपीए का वो जेबी वॉटसन का जो एक्सपेरिमेंट था लिटिल अल्बर्ट का, उसके फेलियर के बाद कि वो बच्चा जब मर जाता है, अल्बर्ट जब मैम मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, देन एपीए ने एक लॉ पास किया, अमेंडमेंट की लॉ की। उस लॉ के अकॉर्डिंग ये था कि आपने ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट नहीं करनी, यू हैव टू यूज एनिमल्स विद सोशल एथिकल कंसेंट। ये नहीं है कि आप जानवरों को करण दे रहे हैं, अजियत दे रहे हैं, वो जिंदा है उनको काट रहे हैं, उनको मार रहे हैं, नहीं। एक प्रॉपर अगर आप एपीए के एथिक्स एथिकल कोड्स पढ़े ना, तो 10 एथिकल कोड्स हैं एपीए के। वो 10 एथिकल कोड जो है फिर सब डिवाइडेड हुए हैं उन मेरे पास एक सॉफ्ट फॉर्म में है, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को फॉरवर्ड करती हूँ, कभी टाइम मिले तो इसको पढ़ लें। तो उन एथिकल कोड्स के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करनी है तो हमने एनिमल्स पे करना है। अब जितने भी एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट हुए हैं मोस्टली जो है हाइयर एनिमल्स कौन से हैं, इसमें हाइयर एनिमल्स चिंपैंजीज हैं। चार्ली डार्विन्स की थ्योरी याद रखे ना, फ्रॉम एप्स टू ह्यूमन। इंसान पहले क्या था? पहले वो बंदर था, फिर बंदर से होते 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 वो इंसान बन गया। अब चिंपैंजी या बंदर जो है वो कितना अकलमंद जानवर है, कितना होशियार जानवर है। यस तो ये वो हायर एनिमल्स हैं। कॉग्निटिव एबिलिटीज लाइक थिंकिंग, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मे बी कंसिडर्ड टू बी सम ऑफ द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच डिस्टिंग्विश्ड ह्यूमन बीइंग्स फ्रॉम अदर स्पीशीज इंक्लूडिंग द हायर एनिमल्स। अब दूसरी जो स्पीशीज हैं, दूसरे जानवरों के पास भी, इनिशियली मैंने स्टार्ट में कहा कि ह्यूमन के पास माइंड होता है, एनिमल्स के पास ब्रेन होता है। ह्यूमन ब्रेन और एनिमल ब्रेन दोनों सेम ही होता है, लेकिन डिफरेंसेस यहाँ पे, माइंड का मैम हाँ डिफरेंसेस जब आ जाते हैं, ह्यूमन का भी ब्रेन है, एनिमल का भी ब्रेन है, लेकिन जब ह्यूमन ब्रेन में इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज, इंटेलेक्चुअल कॉग्निटिव एबिलिटीज आ जाती हैं, तो वो ब्रेन से माइंड में चला जाता है। और चूंकि एनिमल्स के ब्रेन में वो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज नहीं आती, रीजनिंग पावर नहीं है उनकी, उनकी जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकती है, लेकिन वो अपने अपने वाइल्ड एनवायरनमेंट के बेसिस पे वो सीखते हैं अपना बचाव करना है। लेकिन इंसान जो है शऊर रखता है, वो जिस जगह पे बैठता है उस जगह पे वो अपनी जगह को साफ रखने की कोशिश करता है। उसके वॉशरूम अलग है, उसका किचन अलग है, उसका खाने का खाने की जगह अलग है, उसका सोने की जगह अलग है। वो अपने जिस्म को कवर करता है। यस मैम अब अगर हम फिजिकल एक्टिविटी की बात करें, तो
तो सेक्सुअल एक्टिविटी एनिमल्स भी परफॉर्म करते हैं, ह्यूमन भी परफॉर्म करते हैं, लेकिन एनिमल जो परफॉर्म करते हैं दिस इज लेबल्ड एज मेटिंग, MATING, मेटिंग. और ह्यूमन का जो है दिस इज व्हाट वी कॉल अ सेक्स. लेकिन सेक्स का जो बेसिक डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, सेक्स इज द टर्म बायोलॉजिकली असाइंड बाय अ डॉक्टर ऑन अ बेसिस ऑफ जेनिटल्स ऑन अ बर्थ ऑफ अ बेबी बॉय और गर्ल. लेकिन हम फिजिकल एक्टिविटी के लिए भी ये टर्म यूज कर रहे होते हैं. अब ह्यूमन है ना, ह्यूमन है. अब फिजिकल एक्टिविटी के लिए अपने घर वालों को, अपनी बहनों को, अपनी मदर को, अपनी सिस्टर्स को कंसिडर कर सकता है, या सिस्टर्स या मदर जो है अपने फादर और ब्रदर्स को कंसिडर कर सकते हैं? नहीं कर सकती ना. ये वो शऊर है, ये वो शऊर है जिसके बेसिस पे जानवरों में और हम में फर्क है. हमारे घर में जो है वो पिजन्स हैं. सो एक ऐसा जोड़ा भी है जो 4 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं उनकी जो है कितनी नस्लें आ गई हैं, मतलब है वो सारा वही बार बार पैदा हो रहे हैं. फिर अब पता नहीं चलता कि लाइक ये पोती पोतियाँ हो गई, नवासे नवासियाँ हो गई, खुद के बच्चे हो गए. अब उनका क्या है, मीटिंग जो करते हैं, मीटिंग. अब उनमें तो ये नहीं है कि ये बहन है, ये पोती है, ये नवासी है, ये बेटा है, ये फलाना है. और नस्ल बढ़ रही है, और नस्ल बढ़ रही है. तो ये वो शऊर है, ये वो अकल है जो हमें अच्छे और बुरे में तमीज सिखा रही होती है. क्लियर? द चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द इंडिविजुअल और बाय सोसाइटी इन जनरल आर सॉल्व थ्रू सीरीज ऑफ एफर्ट्स इन्वॉल्विंग थिंकिंग एंड रीजनिंग. अब थिंकिंग एंड रीजनिंग, जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी हमारे हर्डल्स हैं, जितने भी हमारे सामने बैरियर्स आ जाते हैं, तो हम उसको कैसे ओवरकम करते हैं? हम उसको थ्रू आर थिंकिंग, हम सोचते हैं, देयर रीजनिंग करते हैं. आप अब जब सोचते हैं ना, तो प्लान ए के साथ प्लान बी होगा ना. जैसे अगर कहीं जाना भी है, सोचें मैं जाता हूँ, जाऊँ या ना जाऊँ. अब जाऊँ या ना जाऊँ, ये आपकी रीजनिंग हो गई ना. बिल्कुल मैम. टेस्ट है, आपके पास टाइम नहीं है, या मे बी टाइम है आपके पास, लेकिन आपका दिल नहीं कर रहा. कभी कहते पढ़ो यार, टेस्ट तो जरूरी है, मार्क्स लगने. कभी यार छोड़ो, बस फिर मैडम को कहते हैं या सर को कहते हैं कल या परसों ले लो. सोच के साथ आप अपने आप को जस्टिफाइबल आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट कर रहे हैं जो कि आपकी रीजनिंग होगी. सो द पावर्स ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग मे दस बी कंसिडर्ड टू बी द एसेंशियल टूल्स फॉर द वेलफेयर एंड मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटी. जैसे मैंने कहा कि जो हमारी सोच होती है हमें हमारी सोच के मुताबिक ही मिलता है. जिस तरह मैं सोचूंगी ना, उसी तरह का मेरा बिहेवियर होगा, उसी तरह की मेरी पर्सनैलिटी होगी, उसी तरह का मेरा इंटरेक्शन होगा ना. लेकिन अगर मेरी सोच अच्छी है तो सब कुछ अच्छा जाएगा. लेकिन मेरी अगर सोच अच्छी नहीं है, अच्छी सोच गुडविल, बुरी सोच बैड विल. बुरी सोच बैड विल क्या है, हम अगर टिपिकल उर्दू में अपनी डे टू डे लैंग्वेज में कहें ना, बुरी सोच हमारी बदनीयती है. ये वो बदनीयती है जब हम कहते हैं ना कि अपने खोदी हुए गड्ढे में गिर गया. तो हमारी जो बैड थिंकिंग है वही हमारी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करती है. और नेगेटिवली इन्फ्लुएंस अगर एक चीज आ जाती है, नेगेटिव क्राइटेरिया, तो नेगेटिव क्राइटेरिया के लिए हम डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं. दिस इज व्हाट वी कॉल रेशनलाइजेशन. सब्स्टिट्यूट हो गया ना, सब्स्टिट्यूशन क्या हो गया, मैं अपने नेगेटिव वे को जो है इन अ सोशली एक्सेप्टेबल वेज इसको एडमायर कर रही हूँ, या इसको मैं जी प्रमोट या सपोर्ट कर रही हूँ. नहीं यार, अगर मैंने ये काम किया तो सही है ना, फलाना भी इस तरह करता है, डिंगाना भी इस तरह करता. हम हमेशा ही फलाने और डिंगाने के साथ कंपेरिजन में लगे होते हैं. तो अगर सोच अच्छी नहीं है, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी नहीं है. जैसे फ्लो ऑफ इनकम है, फ्लो ऑफ इनकम है ना. अमीर जो है अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, गरीब जो है गरीब से गरीब तर होता जा रहा है. बिल्कुल. अब आजकल आप
बाजार जाते हैं घर के लिए ग्रोसरी वगैरह लाते हैं। हमारे यस मैम सामान वामान लाते हैं घर के लिए ग्रोसरी लाते हैं जैसे सब्जियां हो गई डेरी हो गया पोल्ट्री हो गया। बिल्कुल मैम बिल्कुल। तो कीमतें कहाँ पहुंच गई हैं? यस मैम। अंडे जी जी अंडे क्या अंडे 200 रुपए दर्जन हो गए मैम। आलू आलू 80 रुपए किलो हो गए। अब बंदा खाए तो क्या खाए? यस मैम। एक आलू थी एक मसूर दाल थी जो कि एक एक फूल गोभी थी जो कि मेजॉरिटी के यूज करते थे। लेकिन अब यहाँ पे जब मैंने कनेक्ट किया ना इकोनॉमिकल कंडीशन से, अब इकोनॉमिकल कंडीशन में क्या है कि मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं बचता। थिंकिंग उनकी क्या है जो एलीट क्लास है, एलीट क्लास की थिंकिंग क्या है, जितना ज़्यादा हो उतना कम है, ये हो वो हो सब कुछ हो, सब कुछ होने के बावजूद भी और चाहिए। अरबों खरबों बिलियनियर्स हैं, बिलियनियर्स हैं, लेकिन अगले के मुंह से मसूर की दाल और रोटी चीनेंगे? कुछ नेगेटिव होगी ना? बिल्कुल मैम। अगर सोच नेगेटिव होगी तो हमारे मोरालिटी खत्म हो जाती है। मोरालिटी हमारा क्या है, राइट एंड रॉन्ग में हमारा डिफरेंशिएशन करना। तो मुझे सही तो वैसे ही सही है, गलत भी सही लगेगा। तो मेरी एक सोच की वजह से फुल सोसाइटी जो है, फुल मेरे सराउंडिंग जो है वो सफर हो रहा है। एनी क्वेश्चन हमारे बच्चे? नो मैम। या अगर आप अब हमारी वर्ल्ड इकोनॉमी है, बिल्कुल मैम, 2 और 3 जीश फैमिली ही इसको रन करती हैं। बिल्कुल मैम। जो कि डायमंड और ये ऑयल का जो है, रिफाइन ऑयल का जो है वो बिजनेस करते हैं। अब पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी इनके अंडर में है। सुबह मैं एक वीडियो देख रही थी, मैं इंशाल्लाह ग्रुप में भी फॉरवर्ड करूँगी, कुछ मुझे इनोवेटिव सा कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो उस वीडियो में कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर बताए। अब थिंकिंग हमारी, हम जो है हम लिमिटेड हो गए हैं ना, लिमिटेड क्या, अपने सब्जेक्ट तक लिमिटेड हो गए, हम में प्रोफेसी ख़त्म हो गई, फ्यूचर फोरटेलिंग ख़त्म हो गया, दूरअंदेशी हमें ख़त्म हो गई, हम स्टक हो गए हैं। स्टक इसलिए हो गए हैं कि मटेरियलिज्म है ना, अब मटेरियलिज्म है, हमने अपनी सोसाइटी के साथ मूव करने की कोशिश करनी है ना। यस मैम। मैं अगर पुराने कपड़े भी पहन के आ जाऊँ ना, मैं ओके हूँ, मैं घर से निकलूंगी मैं ओके हूँगी। लेकिन जब मैं आप लोग के साथ मिलती हूँ, जब मैं अपने सर्कल के साथ मिलती हूँ, जब मैं लोगों से मिलती हूँ और उनकी जो अम्यूजमेंट होती है आंखों में, उनकी जो हैरत होती है, एस्टोनिशमेंट होती है, या वो जो हेट्रेड सी फीलिंग होती है, तो वो चीज़ें मुझे कंपेल करती हैं। यू हैव टू वियर प्रॉपर क्लॉथ्स, यू हैव टू मेंटेन योर प्रॉपर ड्रेसिंग। अब मैं खुद मुतमईन थी, लेकिन मैंने लोगों को देखा तो मेरी जो रिलैक्सेशन थी वो ख़त्म हो गई। अब वो रिलैक्सेशन जो मेरी ख़त्म हो गई है, मेरी जो थॉट्स हैं बस उसमें, मैंने अच्छा लिबास पहनना है, आज क्या पहन के जाऊँ, आज क्या पकाना है, कल किधर जाना है। yes, तो यहाँ पे हमारी जो विजडम है वो ख़त्म हो गई। अच्छा, उस वीडियो में था कि जो पुराने स्कॉलर्स थे, जो पुराने थिंकर्स थे, उन्होंने प्रोफेसिस की थी फलाने टाइम में ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, एंड टिल नाउ उन्होंने जो कहा था वो कंप्लीट हो रहा है। वो कोई मैजिशियन थोड़ी थे ना, वो 124,000 अंबियाए कराम में आते थे। मैम ये ज्यूइश नहीं हैं? ज्यूइश जी जी मैम, ये अभी भी करते हैं ज्यूइश? तो बच्चे यहूदी तो है ना, यहूदी। यस मैम। ऐसी कौन है जिसका कुरान मजीद में आपको जिक्र मिलेगा?
बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और ये वो लोग हैं ओपनली एंड श्योरली अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि इनके साथ आपने कोई ताल्लुक नहीं रखना। एक तो ये बिल्कुल बात है मैम, ना कि मैं कहूँ या अगला कहे कि मुसलमान नहीं फलाना, लेकिन जब आपके इल्हामी किताब में है कि आपने किसी किस्म की ट्रेडिंग इनके साथ नहीं करनी, किसी किस्म का लेन देन नहीं रखना, लेकिन अब अगर आप देखें ना कुछ मुस्लिम कंट्रीज जैसे सऊदी हो गया, जैसे एमरेट्स हो गए, इन्होंने कोलेबोरेशन किए, इन्होंने जी वो किया, अब मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा था, सोच है ना, ये भी तो सोच है ना, ये जो हम डिस्कस करें ये भी तो थिंकिंग है ना उनकी। अब थिंकिंग में हर एक के अपने अपने जो है वो बेनिफिट है। मैंने कहा ना थिंकिंग आपके इन्वायरमेंट से, आपके आपकी कंपनी से आप पे इफेक्ट होती है। अब वो जिस तरह के बिल्कुल इन्वायरमेंट में मौलाना साहब हैं वो सारे मटेरियलिस्टिक हैं, जितना जितना पेट के तंदूर में डालो ना उतना कम है, उतना उसका पता नहीं चलता, जल जाता है। सोना ने कहा था कि उनके साथ जो है हमारे टर्म्स होने चाहिए, रिलीजन इज समथिंग एल्स एंड पॉलिटिक्स इज समथिंग एल्स। बिल्कुल गलत है ना, ना। लेकिन जब आपका एक एक तो आपका लीडर हो गया ना रहनुमा, लीडर बात करें वो उसको तो फिर भी हम क्रिटिसाइज करें कुछ भी करें, एक है आपका रिलीजियस लीडर, आपका मजहबी रहनुमा। अगर मजहबी रहनुमा इस तरह की प्रीचिंग, इस तरह की जो है मैसेजेस कन्वे करे, इस तरह की डिबेटेबल चीज़ों को पॉजिटिवली लें, तो हम तो जो है ऑर्थोडॉक्स लोग हैं, हम तो मजहब के नाम पे मरने मारने वाले लोग हैं, यस मैम, तो सब कहेंगे ना यार जब मौलाना साहब ने कह दिया तो ओके, गलत है ये चीजें, लेकिन आप नहीं फॉलो करेंगे, मैं नहीं फॉलो करूंगी, 100 में से हम दो गए तो 95 तो फॉलो करेंगे, और 3% ऐसे हैं जो पॉजिटिव होंगे ना नेगेटिव होंगे, वो न्यूट्रल रहेंगे। यस मैम। या अगर जैसे अगर हम बात करते हैं उसकी जीश की, हमने अभी बात की, तो वो लोग जो है अपनी अपनी जो इबादतें होती हैं वो भी प्रॉपर इबादतें वो कर रहे होते हैं। वो अब आप आपको पता है कि यहूदी किसको मानते हैं? दजाल, उसे अपना मसीहा कहते हैं। मसीहा तो कहते हैं, लेकिन यहूदी भी खुदा एक है इस पे बिलीव करते हैं, देयर इज नो गॉड यस बट अल्लाह। मैम, यस दजाल मैम, उनका मसीहा है, यस मैम, रिफॉर्मर है। मैंने शायद वो दजाल के आंख वाली वीडियो भी आपके ग्रुप में फॉरवर्ड की थी। तो अच्छा थिंकिंग की तरह हम इसको लेके आते हैं ना, टर्न करते हैं, तो इसमें क्या है कि वो लोग भी अपने रिलीजियस राइट रूल जो हैं या ऑब्लिगेटरी जो ड्यूटीज है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब वहाँ पे जो है रिलीजियस कुछ यहूदी जो अमेरिकन है वो हैट पहनते हैं, जो अदर यूरोपियन कंट्रीज के हैं वो टोपी पहनते हैं सर पे, वो छोटी सी होती है ब्लैक कलर की। औरतें जो यस इनकी मैम, हैं, औरतों की जब शादी इनकी हो जाती है तो वो अपने जो है वो अपने बाल जो है मुंडवा लेती है, वो सरगंजा कर लेती हैं और फिर विग लगाती हैं। वो इसलिए गंजा करती है कि शादी से पहले मेरे बाल जो हैं वो काफी नामहरम लोगों ने देखे हैं, अब मेरे जो फ्रेश बाल आएंगे वो सिर्फ मेरा हस्बैंड ही देखेगा। वहां पे ये चीजें हैं, औरत सफर हो रही है सर, क्यों मत क्यों इस तरह नहीं करता, लेकिन औरत करती है। फिर इस्लाम में क्या है, मर्द और औरत इक्वलिटी के बेसिस पे, कोई इस तरह का कानून नहीं है औरत के लिए। सोच यस मैम, है ना, जिस तरह हम सोचते हैं उसी तरह हमारे साथ होगा। अच्छी सोच होगी तो अच्छा मिलेगा, रिवॉर्ड अच्छा होगा, पॉजिटिव एनर्जी होगी, बुरी सोच होगी तो रिवॉर्ड बुरा मिलेगा, नेगेटिव एनर्जी होगी।
मैम हम में ज्यादातर ऐसे ही है कि जो कि मतलब खुद सोचते नहीं है, बस दूसरों के थॉट्स पे चलते हैं, मतलब दूसरा फलाने ऐसा कह दिया बस ये सही है। तो उनका बच्चे सेल्फ एस्टीम नहीं होता ना, यस मैम, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका नहीं होता। जैसे आपकी क्लास में भी कुछ स्टूडेंट होंगे ना, ज्यादा दूर नहीं जाते, अपनी क्लास में देखे जितना आप अभी तक आपने पढ़ा हुआ है, हर क्लास में आपके साथ काफी बच्चे होंगे होते होंगे, तो आपने नोटिस किया होगा टिल नाउ कि कुछ ऐसे होते हैं जिनको क्वेश्चन आ रहा होता है, वो पूछना भी चाहते हैं, वो जवाब भी देना चाहते हैं, वो लेकिन वो नहीं दे पाते। उनका क्या, उनका सेल्फ एस्टीम लो होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता। मैंने इस तरह बात की तो फलाना क्या सोचेगा, ऐसा ना हो ये हंसे, ऐसा ना हो कि मेरा मजाक उड़ाए, या जो उनकी जो इमेजिनरी ईगो होती है ना, झूठी उनकी जो शान होती है, कहीं वो स्पॉइल ना हो जाए। बिल्कुल ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तो अपने आप को जी बड़ा इंटेलिजेंट और ये जो है वो प्रूव कर रहे होते हैं फलानी बुक और ये, और बेसिक उनको कुछ आता जाता नहीं है, तो ये लोग अपने आप को डिसीव कर रहे होते हैं, डिनायल स्टेट में होते हैं अपनी इनकॉन्फिडेंसी को लेके। अब अगर इस तरह के बच्चे हैं तो इसलिए वेस्टर्न में हर एक स्कूल में साइकोलॉजिस्ट होते हैं, काउंसलर होते हैं, थेरेपिस्ट होते हैं, वो बच्चों की फाउंडेशन बिल्ड कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ इस तरह ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। अब यूनिवर्सिटी लेवल है, अब बाकी भी टीचर्स होंगे, लेकिन मैं जस्ट अपने ही एग्जाम्पल इसलिए नरेट करूँगी कि आपका और मेरे कंपेनियनशिप है ना, तो मेरी स्ट्रगल होती है कि जो वीक है मैं उसकी काउंसलिंग भी करूँ, उसको अपना फुल पेज टाइम भी दूँ और देती भी हूँ साथ में। मेरा ये है कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, अब सीखेंगे तो पढ़ाई होगी, अब सीखने के लिए क्या करेज होगा, अब करेज मैं डिफरेंट क्वेश्चन भी पूछती हूँ। स्टूडेंट्स कोई फिजिकली और प्रेजेंट है, मेंटली नहीं है, बाद में बुला के उनसे डिस्कस भी करती हूँ। ये मॉरल उनका रेस करना होता है, लेकिन जब हमने स्टूडेंट को छोड़ दिया तो यही स्टूडेंट्स आज स्टूडेंट है, कल को प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे ना, घर से शादी करेंगे, बच्चे होंगे, एक फैमिली रन करेंगे, पार्ट ऑफ कम्युनिटी होंगे, पार्ट ऑफ सोसाइटी, एक स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ सोसाइटी बनेंगे, तो फिर वो कैसे चलेगा। यहाँ पे जो ड्रॉबैक्स है ना, वो हमारे एजुकेशन सिस्टम का है, हमारी निग्लिजेंस का है, हमारे पेरेंटल निग्लिजेंस इसमें आ जाती है। पेरेंट्स सोचते हैं, उनकी थिंकिंग है, हमने सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी है, वी हैव प्रोवाइडेड ईच एंड एवरीथिंग, बट उन्होंने क्या प्रोवाइड नहीं किया, उन्होंने टाइम प्रोवाइड नहीं किया, उन्होंने म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्डअप नहीं किया, उन्होंने म्यूचुअल कोऑपरेशन बिल्डअप नहीं किया, उन्होंने फ्रेंकनेस बिल्ड नहीं की, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिस्टेंस क्रिएट कर दिया, गैजेट्स दे दिए तो डिस्टेंस आ गया ना। यस मैम, ओके, डिफरेंट स्कॉलर्स एंड डिफरेंट रिसर्चर्स ने थिंकिंग को डिफरेंटली एक्सप्लेन किया हुआ है। रोज ने कहा है, thinking is mental activity in its cognitive aspects of or mental activity with regard to psychological aspects. Thinking हमारी mental activity है, कोई doubt इसमें नहीं है। Cognitive aspects है, cognitive aspects का मतलब ये है कि ये part of हमारी thinking, reasoning, problem solving इसका एक part है। With regard to psychological aspects, psychological हमारा नफ्सियाती, हमारी psyche से related। अब साइकी मेरी, हम लेबल करते ना फलाना साइको है, अब साइकोसिस और न्यूरोसिस में आसमान जमीन का फर्क है, दिन और रात का फर्क है, स्याह और सफेद का फर्क है, लेकिन हम दोनों को हम लोगों को सॉरी इस चीज का पता नहीं है। अब एक बंदा है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स आ गया ना, तो थोड़ा सा इसको मैं हाईलाइट करती हूँ। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स मैं रेडी कर दूंगी, ओके, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। अब बच्चे एक है ना शक करना, एक है डाउट, डाउट इज शक, ये हमारी इंग्लिश टर्मिनोलॉजी होगी, वही डाउट है। हमने उसी शक को जो है जब साइकोलॉजी में हम इसको कन्वर्ट करते तो हम कहते हैं ना पैरानॉइड टेंडेंसीज, शक करने की जो टेंडेंसीज होती हैं। अब एक टेंडेंसी है पैरानॉइड, अब मैं पैरानॉइड हूँ, मुझे शक है फलाना मेरे साथ कुछ बुरा ना कर दे,
या फलाना मेरे साथ लॉयल नहीं है, मेरे स्टूडेंट्स मेरे साथ लॉयल नहीं है. अब ये मेरी थॉट्स है ना, अब मैं परेशान हूँ, या मेरा भाई मेरे साथ सिंसियर नहीं है, लॉयल नहीं है, पैरानॉइड टेंडेंसी. हालांकि उस बेचारे ने कुछ नहीं किया. लेट सपोज आप इंसान एग्जाम्पल में आपकी सिस्टर हैं, या आपके फादर हैं, या आपके घर वाले हैं, या आपकी खैर से इंशाल्लाह वाइफ होगी, तो पैरानॉइड टेंडेंसी, यार मेरी वाइफ इज नॉट लॉयल विद मी, माय फैमिली इज नॉट गेटिंग मी, एंड दे आर डूइंग थिंग्स अगेंस्ट माय विल. हालांकि वो आपकी विल के अगेंस्ट नहीं होगा, मेरी सोच है, मेरी सोच बन गई ना इस तरह. तो मुझे अगर मेरी सोच अच्छी बनी होती तो अगर कोई बुरा भी करे मुझे अच्छा लगता. अगर मेरी सोच बुरी बन गई है, पैरानॉइड टेंडेंसी आ गई, अगला लाख भी मेरे साथ अच्छाई करे ना, लेकिन क्या होगा, मुझे वो नेगेटिव ही दिखेगा, क्योंकि मेरी सोच ही नेगेटिव हो गई है. साइकोलॉजिकल थॉट्स आ गए ना हमारी थिंकिंग में. या फिर अगर हम इसको इस तरह कनेक्ट करें कि रूटीन लाइफ ना, हम अपने मशरान से, अपने बड़ों से सुनते हैं ना, अपने घर में सुनते हैं कि अगर कोई आपको पसंद है ना, वो उसमें हजारों खामियां हो, वो हजारों बुराइयां भी करे ना, फिर भी आपको अच्छा लगेगा. लेकिन कोई आपको पसंद नहीं है, वो आपके दिल के करीब नहीं है, वो आपके साथ हजारों नेकियां भी करें, हजारों अच्छाइयां भी करें, फिर भी आपको अच्छा नहीं लगेगा. ये हमारा होता है ना साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स. बिल्कुल. ओके, गैरेट ने क्या कहा है? गैरेट, थिंकिंग इज अ बिहेवियर व्हिच इज ऑफन इम्प्लिकेट एंड हिडन. थिंकिंग बिहेवियर है हमारा. बिहेवियर तब होगा जब हम विजिबली इसको परफॉर्म करेंगे. परफॉर्म कैसे करेंगे? अपने एक्शन के थ्रू ना. बिहेवियर है ही बेसिकली एक्शन, विच इज ऑफन इम्प्लिकेट एंड हिडन. एक ही चीज है. इम्प्लिकेट इज इनर, मीनिंग डिक्शनरी मीनिंग इज इनर, एंड हिडन जो कि छुपा हुआ हो. तो थिंकिंग हमारी जो है वो इनर फीलिंग्स है हमारी, हमारी वो इनर प्रोसेस है, वो हमारा हिडन प्रोसेस है. अनटिल एंड अनलेस के हम बिहेवियर फॉर्म में इसको जो है एक्सप्लिकेट ना कर दें, इसको विजिबल ना कर दें. फिर ग्लिमर ने कहा है, थिंकिंग इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस इन विच वी यूज आइडियाज और सिंबल्स इन प्लेस ऑफ ओवर्ट एक्टिविटी. जैसे इम्प्लिकेट एंड एक्सप्लिकेट है, इनर एंड विजिबल, हाइड एंड विजिबल, इसी तरह ओवर्ट एंड कोवर्ट एक्टिविटीज है. ओवर्ट एक्टिविटीज जो हमारी विजिबल है, कोवर्ट एक्टिविटीज जो हमारी इनविजिबल है. ग्लिमर ने कहा है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ प्रोसेस इन विच वी यूज आइडियाज एंड सिंबल्स इन प्लेस ऑफ ओवर्ट एक्टिविटी. प्रॉब्लम सॉल्विंग, अब एक प्रॉब्लम है, मैं एक प्रॉब्लम में फंस गई हूँ. अब उस प्रॉब्लम में जब मैं फंस गई हूँ, अब ये तो नहीं है ना कि मैं पहले टेस्ट करूंगी कि उस सिनेरियो में जाऊंगी, जो एक आइडिया मेरे माइंड में आया है वो इम्प्लीमेंट करूंगी, वो फेल हो गया, फिर उसी सिनेरियो में जाके दूसरा आइडिया इम्प्लीमेंट करूंगी, फिर तीसरा आइडिया इम्प्लीमेंट करूंगी. क्या इस तरह मैं अपनी प्रॉब्लम का सलूशन निकालूंगी? नो मैम. मैं सोचूंगी, बार बार सोचूंगी. थिंकिंग के साथ मैं अपने आप के साथ रीजनिंग भी करूंगी, अगर इस तरह हुआ, इस तरह ना हुआ, ये हुआ, वो ना हुआ, मैं एक्टिव रहूंगी. देन मैं उस सिनेरियो को कन्फ्रंट करने की या उसके साथ एक्सपोजर करने की पोजिशन में होंगी. जब तक मैं रेडी नहीं हूँ मैं एक्सपोजर नहीं करूंगी, लेकिन जब मैं रेडी होगी तब मैं एक्सपोजर करूंगी. क्लियर? मोहसिन ने कहा, थिंकिंग इज एन इम्प्लिकेट प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर. थिंकिंग क्या है? इम्प्लिकेट है प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर. जिस तरह गैरेट ने कहा है, वही गैरेट की जो है डेफिनेशन है. मोहसिन ने थोड़ा सा इसको अपने वे में एक्सप्लेन किया है. देखिए बच्चे, जो रिसर्चेस होती है ना, रिसर्च कंडक्ट करना, अब हर एक रिसर्च दूसरे रिसर्च के लिए फाउंडेशन होता है, उसके लिए बेस होता है. अब हम ऑलरेडी जो चीज़ें हैं उसी को फाउंडेशन बना के उसमें इनोवेशन कर रहे हैं ना. तो इस तरह देखें ना, ये सारी अगर आप नोटिस करें, थिंकिंग की एग्जांपल्स, सॉरी डेफिनेशन जो डिफरेंट स्कॉलर्स ने कही है, सबका रिजल्ट एक ही है, लेकिन क्या है, वर्ड्स डिफरेंट हैं. और आपका सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स ही आपकी राइटअप को, आपकी कम्युनिकेशन को, आपकी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करता है. जैसे आप किसी को कह दें ना कि खाओ ये चीज, और प्रॉपर वे से प्लीज हैव इट, या ये कि आप वो चीज़ दें, इनगल्फ इट, निगलो बस इसको,
अब इनगल्फ करना निगलना इज दिस द प्रॉपर एथिकल वे? नो मैम, अगले तरीके का लड़ है। हाँ लड़, आपने अपने प्रॉपर लिखा ना, प्लीज हैव इट, प्लीज ले ले, थोड़ा सा तो ले लेना, थोड़ा सा टेस्ट कर ले। वो आपकी कर्टेसी थी, आपकी हॉस्पिटैलिटी थी, लेकिन आपने, आप मेहमान के सामने ट्रे लेके गए, वो ट्रे नो डाउट कि बहुत ही भरा हुआ है, और आपने टेबल पे या दस्तरखान पे रस करके उसको रख दिया, क्या परसेप्शन हुआ यार ये बंदा? मैं मत भी कहना है तो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी फिर वो तो मत, तो बदतमीजी होगी, दूसरे कहेगा कि यार जिस जोर पे काम करवा रहे हो यार तो करना नहीं। तो जिस तरह आप सोच रहे थे ना उस बंदे को लेके, उसी तरह का आपका बिहेवियर हो गया ना? यस। तो हमारा, हमारी सोच ही हमारे बिहेवियर को मेंटेनेंस दे रही होती है, या हमारे बिहेवियर के बेसिस पे हमारी थिंकिंग का पता चलता है, नेचर ऑफ थिंकिंग। पॉइंट नंबर वन, थिंकिंग इज अ सीरीज ऑफ सिंबॉलिक प्रोसेसेस। अब सिंबॉलिक प्रोसेसेस क्या है? सीटी मॉर्गन regards thinking as a consequence of symbolic processes. It makes use of symbols, percept, images and concepts. Images are either sensory or verbal. The symbols represents or stands for object or event in the environment. सिटी मॉर्गन ने क्या कहा है कि हमारी thinking जो है वो एक sequential process पे depend करती है, वो step wise process पे जाती है. Symbols क्या है? आपकी perception, आपका किसी भी चीज को पिक करने का वे, आप कैसी चीज को पिक करते हैं। सेकंड, आपके इमेजेस, इमेजेस मतलब कि आप अगर करेक्टर वाइज किसी चीज को देख रहे हैं या सोसाइटिकल पर्सपेक्टिव से किसी चीज को देख रहे हैं, तो उसका इन्फ्लुएंस आप पे क्या है। फिर आपका आ जाता है कंसेप्ट। कंसेप्ट्स आप उस बारे में सोचते क्या है, आपके रियल खुद की ओपिनियन क्या है। सो इमेजेस क्या हो सकते हैं? वो सेंसरी भी हो सकते हैं, वो वर्बल भी हो सकते हैं। सेंसरी आपके फाइव सेंसेस में से किसी भी सेंस से रिलेटेड हो सकते हैं। वर्बल आपका बोलना, आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन, आपका मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। सिंबल्स प्रेजेंट्स और स्टैंड्स फॉर द ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स इन द एनवायरनमेंट। अंडरस्टूड सी बात है कि सिंबल जो हमारे हैं वो हमारा इमेज है, हमारे कंसेप्ट है, हमारी परसेप्शन है, और डेफिनेटली ये हमें अपने एनवायरनमेंट से ही मिलेगा ना। यस मैम। सिंबल इज सॉर्ट ऑफ अ स्टिमुलस, स्टिमुलस हो गया ना हमारा। अब स्टिमुलस तो हवाई हवाई नहीं होता ना। अब हर एक चीज जो हम परसीव करें, या हमारे जो इमेजेस है या जो हमारा कंसेप्ट है, तो सोसाइटी की बेसिस पे ही है ना, एनवायरनमेंट के बेसिस पे ही है ना। बिल्कुल मैम। अगर आपको ये गुगली था, हाँ गुगली का वो कार्टून या वो याद हो, या टार्जन? यस मैम जी, मैं याद है। ये प्लेस्टेशन में टार्जन का गेम, ये हम बड़ा शौक से वो करते थे। यस मैम। अब वो बच्चा जो था वो जंगल में रहता था, मुगली, हाँ मुगली था कि गुगली था पता नहीं। अब वो जो जूता वो जंगल में रहता था, तो जानवरों की आवाजें, उनका बिहेवियर समझना, उनका खाना पीना, उन्हीं की तरह भागना, उन्हीं की तरह दरख्तों पे चढ़ना, सारा उसको आता था ना। यस मैम। और वो स्टेट होगी भी उसमें, वो शो में शो करते थे ना कार्टून में, उस मूवी में, कि वो उसका जो चलना या उसका जो दरख्तों पे वो करना, वो भी चिंपैंजीज या गोरिल्लास की तरह था, उसकी वो हड्डियां वड्डियां गोरिल्ला की तरह बाहें। तो वो हमें देखे ना समझाने के लिए इस तरह के कार्टून होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तो इस तरह अवेयरनेस नहीं होती ना कि हम बच्चों को उस तरह समझाएं। फिर वो चीजें लिटरल लाइफ में अगर याद हो तो हम रिलेट करते हैं। अब वो क्या था कि वो एनवायरनमेंट के बेसिस पे आपको दिखा रहे थे कि वो ह्यूमन था, कॉग्निटिव कैपेसिटीज उसकी थी, लेकिन उसकी पॉलिश नहीं हुई। जैसे आप कोयले की कान से डायमंड कहाँ से मिलता है? ग्रेफाइट होता है ना, डायमंड क्या है? ग्रेफाइट है। तो ये ग्रेफाइट मिलता कहाँ से? कोयले की कान से निकलता है। तो ये भी कोयले की तरह काला होता है, पता नहीं चलता।
फिर इसकी जो पॉलिशिंग होती है, इसका डेंट पेंट होता है, तभी ये प्रॉपर शेप में आती है, तभी ये वैल्यूएबल हो जाता है. इस तरह ह्यूमन माइंड है, अगर आपको अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है तो आपका आपका ब्रेन जो है शेप हो के माइंड में, या माइंड आपका जो है वो शेप हो के डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है. लेकिन वो इन्वायरमेंट नहीं मिला. तो इन्वायरमेंट हमारी सोसाइटी हमारे लिए हमारी थिंकिंग में एक वाइटल रोल प्ले करती है. अब जिस तरह का वो जानवर के साथ है तो उठना बैठना भी उसी की तरह हो गया. अब हमारा इंसानों के साथ उठना बैठना है, चेयर है, हाँ ज़मीन पे भी बैठते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से बैठते हैं, एथिकल वेज से बैठते हैं, प्रॉपर अपना शर्ट वर्ट सेट करके बैठते हैं. तो yes, वो एथिकल वेज हैं, ये हमारे वो चीज़ें हैं जो कि हम लोगों के साथ जब होते हैं तभी हम सीखते हैं ना. अगर हम अकेले रहते हैं तो क्या ये चीजें हम सीख पाते हैं? No, ma'am. या अगर पुअर पेरेंटिंग होती है ना, कुछ लोग होते हैं ना हाथी के सर जितना वो निवाला लेते हैं. Yes, ma'am. और फिर जी उरुन की जो आवाज होती है शप्पा शप्पा शप्पा, दो गली छोड़ के भी आपको आ रही होगी कि फलाना जो है बैठ के खाना खा रहा है. Yes, ma'am. हम उन लोगों को नहीं कह सकते, वो बड़े हैं. अब बड़ों को इस तरह कहना ये तो बेइज्जती है ना, ये तो आप ह्यूमिलेट कर रहे हैं, डिसऑनर कर रहे हैं. वो उनकी पुअर पेरेंटिंग थी, उनके पेरेंट्स ने उनको समझाया नहीं, सिखाया नहीं, तो उनको वो सुटेबल एनवायरनमेंट नहीं मिला. तो यहाँ पे थिंकिंग उनकी क्या है, खाना खा रहे हैं, अपना खा रहे हैं, किसी का तो नहीं खा रहे, जिस तरह भी मैं खाऊं. अपने कल्चर के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं ना, यहाँ पे टेबल मैनर्स हैं, नहीं पता किसी को टेबल मैनर्स. मेजॉरिटी आप अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में चले जाएं, आपको ऐसे कुछ नहीं मिलेगा. अब टेबल पे रखने के लिए प्लेट की, छोटे प्लेट की, फोर्क की, नाइफ की, स्पून की, ग्लास की, वाटर ग्लास की, ड्रिंक ग्लास की, एक एक अलग अलग सेटिंग होती है. आप ऑब्जर्व करें ना, वो सेटिंग इनको नहीं पता, लेकिन टेबल पे चीजें रखी हुई है तो खुश होते हैं ना कि चमचे वमचे पड़े. यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन जो है वो हमारे अपने जो है कल्चर के अकॉर्डिंग है. हमारे कल्चर में बैठ के खाना खाना है, मतलब जमीन पर. इस्लामिक वे है, हम इसी को प्रेफर करते हैं. लेकिन इस्लाम ये थोड़ी कहता है कि अभी आप आज जो खाना खा रहे हैं वो आप 10 दिनों के हिसाब से खा रहे हैं. इस्लाम आपको कहता है जब आपका स्टमक जो है 3/4 फिल हो जाए, 3 हिस्से उसके फिल हो जाए, तो बस खाने से हाथ जो है उठा दें, बिल्कुल भी आपका खाना. हम कहते हैं स्टमक हमारा जो है 3/4 को छोड़ के हम इतना खाते हैं कि वो 4 स्टमक में भी वो ना समाए. सोच है ना, लोग शादियों में, लोग ये लोगों की फौदगी में, तीसरे पे, चहलम पे, डिफरेंट जो फेस्टिवल होते हैं या जहाँ पे फ्री खाना मिलता है, इतना खाते हैं जैसे वो जिंदगी का आखिरी खाना हो उनका. इसके बाद या तो ये मर जाएंगे या दुनिया से रिज़्क खत्म हो जाएगा. Yes, ma'am. अब यहाँ पे भी इन्होंने जो जो परसेप्शन दिया, जो इमेजेस इनके थे, जो उनका कंसेप्ट था, परसेप्शन इनका क्या था, यार सब खा रहे हैं मैं भी खाऊं, बुलाया है तो क्यों ना खाऊं. इमेजेस इनका क्या थे, इमेजेस लोगों को देख रहे हैं ना, परसीव कर रहे हैं. एक है प्लेट में उसने छोटा पहाड़ बना लिया, तो अगले ने क्या किया, इमेजेस बन गए ना. उसने कहा कि यार इसने तो छोटा सा पहाड़ बनाया है, टेला बनाया है, मैं तो प्लेट में माउंट एवरेस्ट बनाऊंगा. अब ये उसका इमेज हो गया. इसी तरह हमारे जो है यहाँ पे सेंसरी भी हो गया, वर्बल भी हो गया. तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि आप जिंदगी के हर स्टेज में हर एक को सिखाने की कोशिश कर सकते हैं. एटलीस्ट आपका काम ये है कि आप कह दें कि ये चीज इस तरह, अगर इस तरह, लेकिन विद प्रॉपर वर्ड्स कहना.
हमारी ड्यूटी है, हम पे फर्ज किया गया है, ये नहीं है कि हम पे नहीं है। जिस तरह नमाज हम पे फर्ज है ना, इसी तरह लोगों की इस्लाह भी हम पे फर्ज है। ओके, देयरफॉर थिंकिंग इन्वॉल्व्स रिप्रेजेंटेटिव प्रोसेसेस, मन आल्सो रिगार्ड थिंकिंग एज अ सिक्वेंटल अरोसल ऑफ सिंबल्स, वी थिंक ऑफ वन थिंग दैट मेक्स अस थिंक ऑफ अनदर, that of still another and so on. हम एक चीज को सोचते हैं, फिर कनेक्शन बनाते हैं, फिर और सोचते हैं, फिर और सोचते हैं, फिर और सोचते हैं। जैसे अगर आप फैंटेसाइजेशन करते हैं ना कभी कभी, तो या कभी कभी मेजोरिटी टाइम्स हम फैंटेसाइज ही कर रहे होते हैं ना। फैंटेसीज फॉर हेल्दी माइंड, दिस इज हेल्दी एक्टिविटी। आप कोई चीज फैंटेसाइज करें इन ऑर्डर टू गिव रिलीफ टू योर डिप्रेशन, एंजाइटी और टू फील गुड, तो फैंटेसीज इज गुड। लेकिन अगर एक्सेस इसका ज्यादा हो जाता है या आप हर टाइम करते हैं, तो फैंटेसीज जो है वो हार्मफुल है, वो डेंजरस है। तो जब हम फैंटेसाइज कर रहे होते हैं ना, क्या सोच रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो कितनी हम एक ही टाइम पे मल्टीपल चीजों को सोच रहे हैं और इमेजेस उनके बना रहे हैं। इसी तरह होता है ना? Yes, ma'am. इसी तरह हमारी थिंकिंग भी है। जैसे हम प्लान ए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंस गए, तो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, प्लान ई, कितना हम सोचते हैं। रात को हम सोई भी हैं, फिर भी हमारा दिमाग जो है वो एक्टिव है, वही चीजें माइंड में रिवॉल्व हो रही है, सर्कुलेट हो रही है। एक चेन है ना, सीरीज ऑफ स्टेप्स हो गए ना। यस मैम। इन दिस वे वी मैनिपुलेट द वर्ल्ड इंटरनली विद द हेल्प ऑफ सिंबॉलिक प्रोसेस। अब जो मेरी सोची थी ना, वो तो इंटरनल फिनोमिना था ना। सिंबॉलिक प्रोसेसेस मेरे क्या थे? परसेप्शन थी, मेरा इमेज था, मेरा किसी चीज को पिक करना था, मेरे खुद के आर्गुमेंट थे, मेरा खुद का बिलीफ सिस्टम था, मेरे खुद की जजमेंट थी, मेरे खुद की आर्गुमेंट थी, मेरे खुद की रीजनिंग थी, ये हो गए ना मेरे सिंबॉलिक प्रोसेस। वुडवर्ड ने क्या कहा? वुडवर्ड रिगार्ड थिंकिंग एज अ मेंटल एक्सप्लोरेशन ऑफ द डेटा टू डील विद द एनवायरनमेंट इफेक्टिवली। वुडवर्ड ने कहा क्या कहा कि मेंटल एक्सप्लोरेशन ऑफ डेटा है। डेटा क्या है? डेटा आपकी सोच है, आपके इनर थॉट्स हैं, आपके रीजनिंग है, वो आपका इनर मटेरियल हो गया। यही इनर मटेरियल आपको हेल्प देता है इन ऑर्डर टू कोप अप विद एनवायरनमेंट, इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन अ गुड वे एनवायरनमेंट। अब जब इंसान जो है, एक औरत होती है, जब वो बेबी कंसीव करती है बच्चे, तो रफ एस्टिमेट इट मींस नॉट ऑथेंटिक, हर 100/100 एस्टिमेट। रफ एस्टिमेट का मतलब है कि इससे ज्यादा हो सकते हैं या इससे थोड़ा सा कम हो सके, लेकिन इससे भी ज्यादा हो। रफ एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 10 billion ऑफ स्पर्म्स, 10 billion, 1 billion इक्वल टू 10 lakhs। So, 10 billion जो sperms हैं, वो body में enter हो जाते, फिर 10 billion sperm में जो है एक battle start हो जाती है, और उस battle में एक single sperm जो होता है वो ovary तक पहुंचता है, zygote बनता है। और वही एक sperm जो होता है, जब ovary तक पहुंच जाता है, zygote बनता है, वही baby बनता है। अब जंग जो है, जंग हमारी जो है बिफोर बर्थ, हमारी जंग स्टार्ट हो जाती है। फिर वो जंग जब हम पैदा हो जाते हैं, फिर वो टिल एंड लाइफ तक वो कंटिन्यू रहती है। फिर वो जंग हमारी हमारी सोच की और हमारी रूटीन लाइफ की होती है। गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। इट इज ideational activity deliberately controlled by a purpose, it is a different from daydreaming or undirect thinking. Daydreaming, ये जो हमारी thinking है, ये purposeful है, daydreaming नहीं है। daydreaming का मतलब है कि खुली आंखों से ख्वाब देखना। मैंने fantasies क्या थी, मैंने fantasize किया in order to get rid of a depression, in order to relieve my depression or anxiety or make myself feel good, ये मेरी fantasies थी ना। अब डे ड्रीमिंग वही फैंटेसीज है जिसमें मैंने रिलीफ फील किया। डे ड्रीमिंग क्या है? मैं स्ट्रगल नहीं कर रही, लेकिन मैं कहूंगी मुझे गोल्ड मेडल मिले।
तो ये तो खुली आंखों के ख्वाब हो गए ना, मैं मेहनत ना करूं, कुछ ऐसे मर्द हो गए ना। अगर हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप देखे, व्हेन आई वाज इन एलआरएच, सो मेजॉरिटी जो इस तरह के डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होते हैं, जिसके बेसिस पे जो औरतें होती हैं उनकी जो मेंटल कंडीशन होती थी वो काफी अनस्टेबल रहती थी। एंड आई वॉज वेरी अमेज्ड कि मैंने एक औरत का जो है उसकी हिस्ट्री देखी और उससे मैंने बात की, एंड शी टोल्ड मी वो इस पे परेशान थी कि मैं अच्छा नहीं पकाती, मैं अच्छा नहीं पकाती और मैं अच्छी नहीं हूँ और मेरे कपड़े अच्छे नहीं हैं और ये है और वो है। बस वो हमेशा रोती रहती थी, मेरा हस्बैंड मुझसे खुश नहीं है और लोग क्या कहेंगे और ये और वो, बस उसका सारा फुल टाइम जो था ना वो रोती थी। एंड सरप्राइजिंगली उसके आंसू कभी खुश की नहीं होते थे। तो मैंने इसकी हिस्ट्री देखी, मैं सारा और मैं बड़ा हैरान रह गई। उसका जो हस्बैंड था वो चिंची चलाता था ना, अब एलआरएच में थी वो सेक्रेटरी ब्लॉक में, उसका जो हस्बैंड था बच्चे वो चिंची ड्राइवर था। तो अब जिस तरह हमने एलीट क्लास की बात की ना, एलीट क्लास जो है वो हम सब का हक खा रही होती है, तो वो बंदा जो था उसकी बस हैसियत यही थी कि बस वो जीने के लिए खाते थे। कुछ होते हैं ना खाने के लिए जीते हैं, कुछ होते हैं जो जीने के लिए खाते हैं। तो वो इतने वो रिसोर्सेस प्रोवाइड करता था, वो इतने ही ग्रॉसरी इतनी ही चीजें लाता था जो कि जीने के लिए काफी हो। उस बंदे की आदत थी कि उसको वो चीजें पसंद नहीं आती थी, वो बीवी को मारता था, अपनी बेगम को, अपनी वाइफ को। तो वाइफ जो है पहले उसकी जो सास थी वो साथ उसके होती थी ना, ये नहीं कि वो अकेली थी, उसकी सास उसके साथ थी, एक छोटी नन थी वो भी उसके साथ थी। तो कहती थी कि ये नहीं किसी काम की नहीं है, बस मेरी बेटी की जिंदगी तबाह हो गई, अब शादी को एक डेढ़ साल हो गया और अस्पतालों के चक्कर लगाते हैं लोग, तो खुशी वाले उसके लिए अस्पताल जाते हैं कि कंसीव किया है, बच्चा पैदा हो गई है, और जब से इसकी शादी हुई है हम ये पागलों वाली जगह पे आ रहे हैं, पागल खाने तक आ गए हैं ये और वो। तो मैंने कहा कि क्यों ये अच्छा नहीं पकाते, मैंने कहा क्या क्या ऐसी चीज़ है जो ये अच्छा नहीं बनाते। मैंने कहा ये तो कुछ भी अच्छा नहीं बनाती। मैंने कहा क्या क्या प्रोवाइड करते, कहते जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं। मैंने कहा अब कहते हैं और इसके हाथ में जायका नहीं, मैंने कहा औरत के हाथ में जायका जो है वो तो एक बस एक मिथ है, वो तो एक सुनी सुनाई बात है। जायका तब आएगा जब आप चीजें प्रोवाइड करेंगे। एक चावल है बच्चे कि वो मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया और बस थोड़ी सी उबाल लिया और नमक डाल दिया, उस चावल का टेस्ट आएगा? नो मैम। वही चावल है, मैं अच्छा भी बना सकती हूँ ना, मेरे पास यही चीजें थी तो मैंने इसको यूटिलाइज किया ना। अब वही चावल है, मैं चाइनीज भी बना सकती हूँ, मैं इटालियन भी बना दूँ, मैं काबली पुलाव भी बना दूँ, मैं गोश्त वाले चावल भी बना दूँ, मैं मुर्ग चावल भी बना दूँ, मैं क्या क्या ना बना दूँ। लेकिन थिंकिंग देखे ना, हम क्या करते ब्लेम करते हैं। अब उनकी वो डे ड्रीमिंग थी कि अगर बहू ने आलू भी बना दिया तो वो आलू भी इस तरह हो जैसे छोटा गोश्त, पॉसिबल है? अब इलाज की जरूरत उस बहू को थी या उसके सास या उसके ससुराल वालों को थी या उसके हस्बैंड को थी? लेकिन हमारे यहाँ फैमिली थेरेपी जो होती है ना, फैमिली थेरेपी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती, फैमिली थेरेपी पे बिलीव नहीं करते। वो कहेंगे यार फलाने का मसला तो मुझे क्यों बीच में ला रहे हो। सो डे ड्रीमिंग, कुछ करना नहीं, कुछ लाना नहीं, कुछ बनना नहीं, और सोच मेरी पन्नी खान वाली। परपेसिव थिंकिंग इन मेंटल एक्सप्लोरेशन एंड फाइंडिंग अ न्यू ट्रुथ। अब न्यू ट्रुथ में क्या है, पर्पज है ना, किसी चीज किसी स्पेसिफिक बात को लेके मैं सोच रही हूँ, कोई स्पेसिफिक एम है मेरा, उसके लिए जनरलाइजेशन करना, उसके लिए सुटेबल वे फाइंड आउट करना, ये पर्पसिव थिंकिंग है हमारी। वो कहते हैं ना खाली घर, ना सॉरी खाली दिमाग शैतान का घर।
तो खाली दिमाग क्या है? वो हमारी डी ड्रीमिंग और जो हमारी अनडायरेक्टेड थिंकिंग है, जिसका कोई कोई एंड रिजल्ट ही नहीं है. अगर एंड रिजल्ट है तो वो डिस्ट्रक्टिव है. थिंकिंग इज मैनिपुलेटिंग द वर्ल्ड इंटरनली विद द एड ऑफ सिंबॉलिक प्रोसेस. ये अगेन वही रिपीटेशन है ना कि इंटरनल चीजें हैं. लेकिन क्या है, हर एक ने अपने वे से एक्सप्लेन किया है. हर एक की रिसर्च जो होती है वो अगले के लिए फाउंडेशन होती है. इट मेक्स यूज ऑफ मेमोरी. Definitely thinking है तो memory और cognitive ability के साथ connect होगा. Imagination हमारा image है. Reasoning and problem solving हमारी किसी भी situation को overcome करने की जो capacities होती हैं, ये सारा हमारी memory का part है. Thinking is ideation activity which is deliberately controlled by purpose. आप अपने thoughts को control कर सकते हैं ना, ये नहीं कर सकते हैं. हम थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं. इफ वी आर नॉट डूइंग डे ड्रीमिंग, इफ वी आर नॉट 24/7 स्टक इन फैंटेसीज, फिर हम इस चीज को ओवरकम कर सकते हैं. लेकिन फिर वही हमारी उर्दू की प्रोवर्ब आ जाती है ना, मुहावरा या ज़र्बुल मिसल या ज़र्बुल अम्साल जिसको हम कहते हैं, कि ज्यादा सोचना इरादों को कमजोर बना देता है. इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोचे नहीं. ज्यादा सोचना इरादों को कमजोर इसलिए बना देता है कि आप अपनी थिंकिंग को ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं. आप अपनी थिंकिंग को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं. आप डाउटफुल सिनेरियो में हैं. क्लियर? यस मैम. इट्स अ मेंटल एक्सप्लोरेशन ऑफ डेटा इन ऑर्डर टू डील विद द एनवायरमेंट इफेक्टिवली. मेंटल एक्सप्लोरेशन ऑफ डेटा है ताकि आप अपने एनवायरनमेंट के साथ इफेक्टिवली इन अ गुड वे, इन अ एथिकल वेज, इन सोशली एक्सेप्टेबल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग उस चीज़ों को फॉलो करें. अब क्या इस तरह हो सकता है कि ईद कल हो और मैं ईद का जोड़ा जो है एक हफ्ता पहले या एक हफ्ता बाद में पहनूं? मेरा परसेप्शन था या मेरा परसेप्शन है, मैंने ऑब्जर्व किया, मेरा जो इमेज बना कि ईद नया जोड़ा अगर ईद के लिए बनाए तो हम वो ईद के दिन ही पहनेंगे. या आप आपकी सोच थी ना, आपका आपका परसेप्शन वह सारा कम्बिनेशन में आ गया, तो उसी के अकॉर्डिंग आप भी सुबह तैयार श्यार होके बाहर निकल गए ना. यस. तो आपने अपने एनवायरनमेंट के साथ इफेक्टिवली डील किया. स्टेप्स इन थिंकिंग. Woodward mentioned the following steps in thinking. Woodward ने कुछ steps explain किए हैं thinking के लिए. Step number one is orientation towards goal. Orientation towards goal का मतलब है कि आपकी goal directed thoughts हो, आपका goal directed behavior हो. अगर goal directed behavior है, अब ये goal directed behavior इसको हम क्या label कर सकते हैं? अगले की जो है डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है. सबका जो समराइजेशन या सबका कंक्लूजन एक ही निकलता है, लेकिन वर्ड्स डिफरेंट हैं. यस मैम, बिल्कुल. अब पर्पसिव थिंकिंग, नेम इंडिकेट करते हैं ना पर्पस. पर्पस क्या है? कोई एम्बिशन हो सकता है, कोई एम हो सकता है, कोई मोटिव हो सकता है, कोई रीजन बिहाइंड हो सकता है. अब यहाँ पे इन्होंने जब स्टेप मेंशन किए तो ये स्टेप्स इसकी डेफिनेशन, इसके एलिबोरेशन से ही इसने वो लिए है ना. ओरिएंटेशन टुवर्ड्स गोल है. मेरा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होगा तो मेरी थिंकिंग पर्पसफुल होगी. अगर मेरा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर नहीं होगा तो मेरी थिंकिंग पर्पसलेस है ना. कुछ लोग होते हैं ना, उनकी जिंदगी का कोई एम ही नहीं होता. खाओ पियो सो जाओ वॉशरूम अटेंड करो, बस यही लाइफ है. वो तो यूजलेस हो गई ना. सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? सीकिंग द वे एंड दैट फॉर रियलाइजिंग द गोल. न्यू वेज आपने डिस्कवर करना अपने एज के लिए और अपने गोल को पहचानना. अपने गोल को पहचानने का मतलब ये है कि अपने आप को पहचानना, रियलाइजेशन ऑफ योर ओन सेल्फ. You have capacities, yeah, you are capable of what?
What are you doing now? अब ये जो है ये आपकी realization of your goals है, realization of your own self है, realization of your reality है. लेकिन मुझे realize ही नहीं हुआ कि मैं कौन हूँ, तो मेरा goal क्या होगा? जब मेरी मैं अपने self को लेके, अपने आप को लेके मेरे पास मेरे mind में एक बड़ा सा question mark है. वो क्वेश्चन मार्क होते हुए क्या मैं गोल सेट कर सकती हूँ? रिकॉल ऑफ प्रीवियसली ऑब्जर्व्ड फैक्ट. दूसरे लोगों से जब हम कहते हैं ना, दूसरे लोगों से सबक लेना, दूसरे लोगों से नसीहत लो. बिल्कुल हमारे एल्डर्स कहते हैं डिफरेंट ओकेजंस पे, डिफरेंट बातों में, डिफरेंट सिनेरियो पे समझाने के लिए. प्रीवियसली ऑब्जर्व फैक्ट क्या है? मैंने देखा एक 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 बंदा है जिसने इनिशियली जो है जस्ट फॉर फन और जस्ट टू एडजस्ट हिज सेल्फ और हर सेल्फ इन अ फ्रेंड सर्कल एंड स्टार्ट स्मोकिंग. अब स्मोकिंग क्या है? ये क्रेविंग आ जाती है. इसमें क्या है? इसमें टार है, इसमें निकोटीन है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है. क्या नहीं है इसमें? अभी निकोटीन जो है ना, निकोटीन आप में क्रेविंग जो है वो इंड्यूस करता है. निकोटीन से आप में क्रेविंग आती है उस चीज को दोबारा से करने की. जैसे कुछ लोग होते हैं ना बहुत ज्यादा चाय पीते हैं. यस मैम. ये बहुत ज्यादा चाय पीना क्या होता है? चाय में क्या है? माइंड बच्चे. यस मैम. बहुत स्ट्रांग मैम. निकोटीन एंड कैफीन है ना दोनों. जिस तरह से निकोटीन, कैफीन, टार, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसी तरह चाय में जो है इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, चाय में कैफीन है और निकोटीन है. यस मैम. मैम इंसान को अंदर से वो कर लेते हैं मैम, जकड़ लेते हैं कुछ ऐसा मैम, स्ट्रांग होता है उसको. हां तो कभी एक टाइम था ना कि ये लोग चाहते थे ना होगा ना कि मैं चाय ना पीऊं तो मेरे सर में दर्द होता है. Yes, ma'am. तो ये sort of a नशा है. मैं भी इस तरह थी. अभी बोला अभी देखो सकते हैं. तो ये है, ये sort of आपके लिए drug है. अब ये craving है. जस्ट मैंने चाय की example दी. Craving है. अच्छा उस बच्चे ने क्या किया? पहले one smoking start की. फिर उसके बाद जो है वो जाता गया. और उसकी जो सबने सुना दी जी. सॉरी मैम, वो भाई से बात कर रहा था. सॉरी मैम. तो ये क्रेविंग जो हमारी होती है ये हमें जो है डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाती है. प्रीवियसली ऑब्जर्व फैक्ट का मतलब है कि उन लोगों से सबक लो जो कि किसी ना किसी प्रॉब्लम में स्टक हो गए, जो कि अपने इमेजिनरी ईगो को लेके फंस गए. जैसे एक 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 बंदे ने स्मोकिंग स्टार्ट की, फिर वो अपने ग्रुप के साथ वो जी ड्रग हशीश मैरिजुआना कोकेन ने सब कुछ वो करने लगा. यस मैम. देखिए अब मैंने ऐसा नहीं करना. मैंने ये चीजें देख ली ना, मैंने अपने आप से कहा नहीं, दिस इज नॉट माय गोल, दिस इज नॉट माय वे ऑफ लाइफ, आई एम नॉट बॉर्न फॉर दिस. इस चीज के लिए पैदा नहीं हुआ. तो ये अगर प्रीवियसली रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन है या ऑब्जर्व फैक्ट, मैं अच्छे से इसको रिकॉल करती हूँ, फिर यही फैक्ट जो मेरे होते हैं ये मेरे गोल डायरेक्टेड बिहेवियर बनाएगा. लेकिन मैंने पिछले लोगों से सबक नहीं लिया, मैंने अपने बड़ों की नसीहतों को नहीं समझा, तो मेरा भी तो हाल औरों की तरह होगा ना. Yes, ma'am. आप सोचते हैं जब आप अगले को देखते हैं ना, ऑब्जर्वेशन क्या है? मुशाहिदा करना. दिस इज योर थिंकिंग, दिस इज योर थॉट. ग्रुपिंग दीज रिकॉर्ड फैक्ट्स इनटू न्यू पैटर्न. जो आपने ऑब्जर्व किया, आपने इसको एक न्यू पैटर्न दे दिया. या लेट सपोज आपने लास्ट एग्जाम के लिए क्या किया था, हर एक सब्जेक्ट के लिए डेली एक 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 घंटा दिया था. अब आप क्या करते हैं कि आपने देखा कि अच्छा वो जो टॉपर था, इसका जो इसकी जो टेक्निक्स थी वो क्या करता था कि इसने सब्जेक्ट्स के साथ क्वेश्चन टाइमिंग भी डिवाइड की. आपने क्या किया, आपने सब्जेक्ट जो आपने टाइम डिवाइड किया उसमें आपने हर एक क्वेश्चन के लिए 10-10, 15-15, 20-20 मिनट्स का आपने गोल रखा, टारगेट रखा.
जब हम गोल या टारगेट रखते हैं ना और हम मोटिवेटेड होते हैं तो हम उसी टाइम लिमिट में, टाइम स्पेंड में अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं. आपने कहा ये क्वेश्चन मैंने 25 मिनट्स में याद करना है. बिलीव में अगर आपने कह दिया तो आप कर सकते हैं. तो आपने क्या किया, आपने अगले टॉपर को देखा जो आपका आपके सीनियर थे, आपने उस टॉपर को देखा, आपने ऑब्जर्व किया, देन आपने अपने लिए न्यू पैटर्न बना दिया. इनर स्पीच मूवमेंट्स एंड जेस्टर्स. इनर स्पीच कोई आइडिया है? यस मैम. व्हाट इज इनर स्पीच? मैम ज़मीर की आवाज में कह सकते हैं. इनर स्पीच मूवमेंट्स, इनर स्पीच, सॉरी इसमें कॉमा है. ओके, इनर स्पीच मूवमेंट्स एंड जेस्टर्स. मूवमेंट्स आपकी क्या है? आपका मस्कुलर कोऑर्डिनेशन. जब आप रेस्टलेस होते हैं ना तो आप उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, पांव हिलाते हैं अगर बैठे हुए तो उंगलियां वो चटखा रहे हैं, टख टख निकाल रहे हैं. आपकी आपकी जो जेस्टर्स है, आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो चेंज होता रहता है. अच्छा, बुरा, परेशान, न्यूट्रल. आंखें जो होती है वो एक खालीपन से शो करती हैं. ऑल दिस एक्टिविटीज मे बी प्रेजेंट इन एवरी एक्ट ऑफ थिंकिंग. हर एक थिंकिंग जो भी आप सोच रहे हैं, हर एक में ये 4-5 जो स्टेप्स हैं, 6 स्टेप्स ये मैंडेटरी हैं. इन आइडल थिंकिंग, आइडल थिंकिंग इसको हम लेबल कर सकते हैं ना, जैसे गोल डायरेक्टेड हमारी थिंकिंग थी उसको हमने पर्पसिव थिंकिंग कर दिया. आइडल थिंकिंग हमारी क्या होगी बच्चे? बिल्कुल मैम. आपकी पर्पसलेस जो थिंकिंग है, दियर में नॉट अ पर्टिकुलर गोल. अ पर्पसलेस थिंकिंग है ना, अनडायरेक्टेड थिंकिंग है आपकी. जैसे हमने अभी यहाँ पे पढ़ा कि हमारी जो थिंकिंग है वो पर्पसिव फुल होगी. एक है हमारी अनडायरेक्ट थिंकिंग जिसमें हमारी डे ड्रीमिंग आ जाती है, जिसमें हमारा अगर फैंटेसीज हमारे बहुत ज्यादा ओवर एग्जिजरेट हो गए तो उसमें हमारी फैंटेसीज आ जाती है जिसका कोई एंड नहीं है, जिसका कोई गोल नहीं है, बेमकसद है. अब डे ड्रीमिंग क्या है, उसका कोई मकसद है? उसे आप no, ma'am. कर सकते हैं. तो ये जो हमारा no, ma'am. है वो आइडल है या पर्पसलेस है. बट इन पर्पसिव थिंकिंग देयर इज ऑलवेज अ गोल. पर्पसिव थिंकिंग में हमेशा आपका आपके लिए गोल होता है. एज अ नेम्स इंडिकेट कि पर्पस है, कोई रीजन है, कोई मकसद है, तभी आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होगा. समटाइम्स थिंकिंग मे बी कैरिड ऑन विदाउट इनर स्पीच. इनर स्पीच अगर हम कहें ना, आपके दिल की आवाज, कभी ये होता है ना कि दिल कुछ और कह रहे, दिमाग कुछ और कह रहे, वो हम बैटल होते हैं. तो दिल और दिमाग जो है वो, दिल तो खैर सोचता नहीं है, लेकिन वो रिसेंट रिसर्च थी ऑस्ट्रेलिया की, रिसेंट तो खैर नहीं है, 4-5 साल इसको हो गए, उसमें उन्होंने ये डिस्कवर किया कि हमारे हमारा जो हार्ट है वो पंपिंग के साथ, ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ जो है इसमें नर्व सेल होते हैं जो कि ब्रेन की तरह थिंकिंग की जो है कैपेसिटीज रखते हैं. तो ये जो कुरान मजीद में कहीं जगह पे इस्तेमाल हुआ है ना कि इंसान जो है अपने कुलूब से सोचता है, कुछ कुलूब है, कल्प से सोचेगा, कुछ दिमाग से, तो ये कुरान मजीद में ऑलरेडी मेंशन था. फिर हमारे यहाँ जो पोएट है ना, इन्होंने बस दिल को और इश्क को और आशिक को और माशूक को इसको तो इस जनाजे में इकबाल की शायरी का खाना खराब कर दिए. बिल्कुल वेस्ट में देखे ना, वेस्ट वाले क्या कहते हैं ये शेक्सपियर की फिलॉसफी को या इनकी पोइट्री को, ये गोटे की पोइट्री को, फिलॉसफी को, ये कहते हैं कि मिस्टिकल है, सूफीज्म इसमें है, ये स्पिरिचुअल है. अब ये लोग इनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जा रहे हैं और हमारे यहाँ क्या है? वो इकबाल के एक शेर का मिसरा है ना कि तू झुकता कहीं और है और सोचता कहीं और है. मतलब मैं सजदा कर रही हूँ लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं सजदा कर रही हूँ तो क्यों कर रही हूँ. बस है ना, टाइम है, बस टाइम हो गया, नमाज पढ़नी आधी हो गई हूँ. तो ये वो चीज है जो कि
क्या कहूँ, शायद ये हम में वो फियर ऑफ अल्लाह ख़त्म हो गया है, फियर ऑफ सोसाइटी के बेसिस पे नमाज पढ़ते हैं तो फियर ऑफ सोसाइटी है, लोग क्या कहेंगे, फियर ऑफ अल्लाह ने बुरा काम करते हैं तो फियर ऑफ अल्लाह नहीं है, लोग क्या कहेंगे। अल्लाह से तो है हम, हमारी कोई भी चीज़ छुपी नहीं है, हम उससे नहीं डरते कि जो बेसिक सजा और जजा का मालिक है उसके सामने बिल्कुल बुराइयां हैं, लेकिन जिस बंदे के हाथ में कुछ नहीं है हम उसी से छुपा रहे हैं, और इसी के सामने ही हम अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करें रादर देन हम अल्लाह के सामने प्रेजेंट करें। बिल्कुल बट जनरली व्हेन वी थिंक इन ऑर्डर टू सॉल्व अ थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम द फर्स्ट फोर एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन थिंकिंग। फर्स्ट फोर एलिमेंट्स कौन कौन से है? फर्स्ट फोर एलिमेंट्स आर ओरिएंटेशन टुवर्ड्स गोल, सीकिंग द वे एंड दैट फॉर रियलाइजिंग द गोल, रिकॉल ऑफ प्रीवियसली ऑब्जर्व फैक्ट, ग्रुपिंग दीज रिकॉल्ड फैक्ट्स इनटू अ न्यू पैटर्न। जैसे मैंने आपको स्टडी की एग्जांपल दी, द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम इज अ गोल ऑफ थिंकिंग। सॉल्यूशन जो है आपकी किसी प्रॉब्लम का, जब सॉल्यूशन आप फाइंड आउट कर लेते हैं, वो आपकी थिंकिंग का गोल है, वो आपका अचीवमेंट है। डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम जो थी वो ओवरकम हो गई ना, वो हैंडल हो गई, तो आपने गोल अचीव कर लिया। थिंकिंग इज जनरली ओरिएंटेड टुवर्ड्स गोल, थिंकिंग गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है, थिंकिंग हमारा पर्पसिव थिंकिंग जो होता है उसका गोल होता है, जो आइडल थिंकिंग पर्पसलेस थिंकिंग होता है जैसे डे ड्रीमिंग, उसका कोई गोल नहीं होता। वी थिंक ऑफ दिस मीन्स और दैट मीन्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम, हम प्लान ए, दिस मीन्स और दैट मीन्स मीन प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, ये हमारे होते हैं ना, ताकि हम अपने प्रॉब्लम को मिनिमाइज कर दें या प्रॉब्लम को ओवरकम कर दें या प्रॉब्लम को एलिमिनेट ही कर दें। सो वी रिकॉल फैक्ट्स ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस बियरिंग ऑन द प्रॉब्लम, फिर हम सोचते हैं फलाने ने क्या किया, डिंगान ने क्या किया, पास्ट एक्सपीरियंस हमारा क्या हुआ है। जैसे बाइकर्स होते हैं ना, अब जो बाइक है वो बड़ा खतरनाक चीज़ है, लेकिन जो यूथ होता है ना, जो यंगस्टर्स होते हैं ना, ये इसके छोड़ दे पास बस। नहीं आते, वो व्हीलिंग कर रहे होते हैं, पहिए पे चला रहे होते हैं और पता नहीं क्या स्टंट्स कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे एक बंदा है जिसने बाइक ली, लेट सपोज हमारे बच्चे आपकी बाइक है, तो आप व्हीलिंग करेंगे? आप एक पहिए पे बाइक को चलाएंगे? नो मैम, मैं कर सकता हूँ। क्यों नहीं करेंगे? इसलिए नहीं करेंगे कि प्रीवियसली ऑब्जर्वेशन आपकी है ना। एक्सपीरियंस बोला मैम मेरा, सॉरी, प्रीवियस एक्सपीरियंस बोला। प्रीवियस एक्सपीरियंस, आपने आपने ये एक्सपीरियंस किया ना, ये आपने देखा कि लोग मर जाते हैं, बिल्कुल मैम, सर जो है वो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, फैमिली वाले क्या क्या उन पे बीतते हैं, क्या सफर होता है, बच्चा जो है जवानी में चला जाता है, कम उम्र में ही चला जाता है। यस मैम, ये आपका, आपने उस चीज को जब नहीं किया तो मतलब है आपने, आप इफेक्टिवली अपने एनवायरनमेंट के साथ मूव कर रहे हैं ना, ये आपका बेसिक पर्पस था आपकी थिंकिंग को लेके। यस मैम, वी ग्रुप देम टुगेदर इन अ न्यू पैटर्न टू सॉल्व द पर्टिकुलर प्रॉब्लम, हम ये सारी चीजों को कंबाइन करते हैं ताकि हम किसी भी जो प्रॉब्लम है तो उसका सलूशन निकालें। वी मे गिव पार्शियल एक्सप्रेशन टू आवर थिंकिंग बाय इन ऑडिबल स्पीच मूवमेंट्स, और वी मे अज्यूम अ पर्टिकुलर जेस्टर्स टू फैसिलिटेट थिंकिंग, एट लीस्ट वी मे सक्सीड इन रीचिंग द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। मेमोरी एंड इमेजिनेशंस आर इन्वॉल्वड इन थिंकिंग, डेफिनेटली मेमोरी होगी तो इमेजिनेशन होगा, इमेजिनेशन है तो फैंटेसाइजेशन भी होगी, जो कि हेल्दी है अगर टाइमिंग इसकी सही है, ये आप 24/7 नहीं कर रहे। सो इन अ नटशेल, हमारी थिंकिंग में हमारी इमेजिनेशन, हमारा कंसेप्ट, हमारा परसेप्शन, हमारे सैम्पल्स, हमारी मेमोरी, हमारी रीजनिंग पावर, ये सारा इन्वॉल्व होती है, तभी जाके हम किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर, टुडेज टॉपिक, एंड आई होप सो कि आप बोर नहीं हुए होंगे। कुछ पूछना चाहते हैं हमारे बच्चे? सो ओके, ये मैं लेक्चर्स थोड़ी देर बाद आपको फॉरवर्ड कर देती हूँ, और आई थिंक मैंने आपको कुछ लेक्चर्स जो है कंबाइनली फॉरवर्ड किए हुए थे।
फिर बच्चे मैं आपको लेक्चर्स नोट्स फॉरवर्ड करती हूँ, और अपना ख्याल रखिएगा, नोट्स को देखें और सबको जो है फॉरवर्ड कर दें. ओके, वो भी